हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं ऑल टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर को मिक्स। तो चलिए कंस्ट्रक्टर को मिक्स करते हैं। कहने का मतलब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और मेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और कॉपी कंस्ट्रक्टर, तीनों कंस्ट्रक्टर को एक साथ हम देखेंगे और उसमें कैसे कैसे मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है वो देखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना वो टेम्पलेट लिख लेते हैं सीपीपी का। तो हैशटैग सीपीपी लिख लिए हैं। अब आते हैं क्लास बनाते हैं। तो क्लास टेस्ट नाम का ही बना देते हैं। तो क्लास टेस्ट, और इसमें हम कुछ कुछ ले लेते हैं, जैसे पब्लिक में ले लेते हैं, कुछ वेरिएबल ले लेते हैं जैसे कि इंट ए, और उसके बाद एक और ले लेते हैं इंट बी, ताकि दो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को हम करके देख सकते हैं। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। तो कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्लास नेम लिखते हैं और फंक्शन वाला जैसे लिखते हैं वैसे ही। तो क्लास नेम मेरा पे यहाँ पे टेस्ट है, तो टेस्ट, और उसके बाद ये मेरा हो गया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बन गया। यहाँ पे सिर्फ कंस्ट्रक्टर बनाते हैं और उसके बाद डेफिनेशन जो होगा वो हम क्लास के बाहर देंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे सेमी कोलन भी लगता है, तो सेमी कोलन लगा देते हैं। यहाँ पे हमने डिक्लेयर कर लिया, ये मेरा क्या हुआ, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मेरा है, कंस्ट्रक्टर, ये मेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया। एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के लिए बना लेते हैं टेस्ट, और एक बनाते हैं एक पैरामीटर कंस्ट्रक्टर के लिए, मतलब एक आर्गूमेंट लेगा वो, और एक और बनाते हैं टेस्ट जो दो आर्गूमेंट लेगा वो, इंट कॉमा इंट, दो आर्गुमेंट लेगा उसके लिए, और एक कॉपी कंस्ट्रक्टर भी चाहिए, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर के लिए भी एक बना लेते हैं। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर के लिए बनाते हैं टेस्ट, और उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या होता है, आर्गुमेंट लेता है। तो आर्गुमेंट लेता है, तो ऑब्जेक्ट को एज आर्गुमेंट यहाँ पे लेता है कॉपी कंस्ट्रक्टर में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का क्या होता है डाटा टाइप, उसका क्लास नेम, तो क्लास नेम, और यहाँ पे साथ में रेफरेंस वाला भी लगाना पड़ेगा। ओके, ये मेरा हो गया तीनों टाइप का कंस्ट्रक्टर। तो तीनों टाइप का कंस्ट्रक्टर मेरा हो गया, तो यहाँ पे लिख देते हैं। ये मेरा हो गया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, और एक मेरा हो गया ये कॉपी कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पे हो गया ये सब। तो चलिए यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या करते हैं, इसका डेफिनेशन प्रोवाइड करते हैं। तो डेफिनेशन हम कुछ इस प्रकार से प्रोवाइड करेंगे। मेरा डिफॉल्ट टेस्ट क्या है कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में क्या करेंगे, हम ए और बी जो वेरिएबल लिए हैं ये दोनों को हम सेट करेंगे कोई वैल्यू से। तो यहाँ पे हम इसका डेफिनेशन प्रोवाइड करते हैं। डेफिनेशन देने के पहले रिटर्न टाइप देते हैं, तो रिटर्न टाइप तो यहाँ पे कुछ है नहीं, तो क्लास का नाम देंगे टेस्ट, साथ में स्कोप रेगुलेशन और टेस्ट, और यहाँ पे ये क्या हो गया, ये मेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का डेफिनेशन हो गया। यहाँ पे डेफिनेशन में क्या देंगे, हम ए और बी को सेट करेंगे। तो ए और बी को सेट करेंगे, तो ए इक्वल टू कर देते हैं हम यहाँ पे कुछ भी कर देते हैं 5, और बी इक्वल टू कर देते हैं 7, ए इक्वल टू 5 और बी इक्वल टू 7 कर देते हैं। तो ये मेरा हुआ पैरामीटर, सॉरी, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का डेफिनेशन। और उसके बाद यहाँ पे हम एक देते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का डेफिनेशन, जिसमें से सिर्फ एक आर्गूमेंट लेगा, तो वो करते हैं। तो फिर से सेम काम वही करेंगे, टेस्ट स्कोप रेगुलेशन टेस्ट, और यहाँ पे इसमें सिर्फ एक डेफिनेशन देंगे, तो एक्स यहाँ पे सिर्फ सेट कर देते हैं, और यहाँ पे इसका डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में यहाँ पे क्या करेंगे, ए इक्वल टू हम कर देते हैं ए इक्वल टू एक्स का जो भी वैल्यू होगा वो, एक्स का जो भी वैल्यू होगा, और बी इक्वल टू कर देते हैं, बी तो यहाँ पे ले नहीं रहा, तो बी को इक्वल टू कर देते हैं 7, जो हमेशा फिक्स रहेगा। ओके, और उसके बाद ये तो मेरा हुआ 1 पैरामीटर के लिए हुआ। दो पैरामीटर पास करेंगे, तो उसके लिए भी यहाँ पे हम डिफाइन कर दिए हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, तो उसके लिए भी कर देते हैं। तो टेस्ट, और उसके बाद स्कोप रेजुलेशन, एंड यहाँ पे दो आर्गूमेंट लेगा, तो इंट एक्स कॉमा इंट वाई, ये हो गया। उसके बाद इसका डेफिनेशन, तो डेफिनेशन में हम कुछ प्रकार से देंगे, यहाँ पे ए और बी दोनों को हम यहाँ पे सेट करेंगे। तो ए इक्वल टू मेरा हो जाएगा एक्स का जो भी वैल्यू आएगा वो, और बी इक्वल टू मेरा हो जाएगा वाई का जो भी वैल्यू आएगा वो। इतना हो गया, ये मेरा हो गया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के लिए भी हो गया और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के लिए भी हो गया, और एक कॉपी कंस्ट्रक्टर अब बच गया, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर का भी डेफिनेशन यहाँ पे हम प्रोवाइड कर देते हैं। तो टेस्ट, और उसके बाद स्कोप रेजुलेशन, इस बाहर यही इसलिए लिख देते ताकि अच्छा लगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए सारा यहाँ पे हम फार्म फंक्शन लिख, सारा कंस्ट्रक्टर यहाँ पे लिख लिया, इसका डेफिनेशन बाहर में लिख, अच्छा लग रहा है थोड़ा सा इसलिए। उसके बाद यहाँ पे हम जो मेरा रेफरेंस में यहाँ पे आर्गूमेंट मिलेगा वो, तो एट द रेट टी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसका डेफिनेशन, तो डेफिनेशन हम कैसे करेंगे, एम इक्वल टू हम करेंगे ए, सॉरी, टी डॉट ए का वैल्यू, और बी इक्वल टू क्या करेंगे, टी डॉट बी का वैल्यू जो आएगा उसमें सेट कर देगा ये। तो ये मेरा हो गया तीनों टाइप का कंस्ट्रक्टर बन गया। तो चलिए अब यहाँ से इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं और वन बाई वन सबको हम कॉल करते हैं। हम कॉल नहीं करेंगे, खुद ब खुद ये कॉल हो जाएगा, बस हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम, यहाँ पे
ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्लास का नाम टेस्ट, साथ में T1, ये मेरा ऑब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट जब बन गया तो यहाँ पे हम करेंगे, और जब ये ऑब्जेक्ट बन गया तो ये कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, ये मेरा करेगा किस कंस्ट्रक्टर को कॉल, ये करेगा मेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल। ठीक है, तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, तो यहाँ पे प्रिंट भी करवा देते हैं सी आउट, यहाँ पे हम ए और बी को दोनों को प्रिंट करवाते हैं। तो यहाँ पे करेंगे T1 डॉट ए, और थोड़ा सा स्पेस दे के T1 डॉट बी, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे इंडेल लगा देते हैं अपना लाइन चेंज करने के लिए, ये हो गया। उसके बाद फिर से यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं टेस्ट T2, टेस्ट T2 बना लिए। अब यहाँ पे T2 में यहाँ पर भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे। तो यहाँ पे हम फोर सप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम फोर सप्लाई करेंगे। फोर सप्लाई करने के बाद फिर हम प्रिंट करने का काम कर देते हैं, कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल भी लिखना ना पड़े, इसलिए यहाँ पर T1 की जगह पर T2 कर देते हैं, और यहाँ पर भी T1 की जगह पर T2। ओके, तो ये मेरा हो गया सिंगल पैरामीटर वाला। अब डबल पैरामीटर वाला भी एक था, तो डबल पैरामीटर भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं सप्लाई 6 एंड 7, या फिर 9 कर देते हैं, 6 और 9। उसके बाद यहाँ पर भी फिर से हम प्रिंट करवा देते हैं ए और बी को। तो यहाँ पे टेस्ट, यहाँ पे थोड़ा सा T3 लिखना पड़ेगा, T3। उसके बाद यहाँ पे हम T1 की जगह पर T3 कर देते हैं, ताकि प्रिंट हो, तीसरे का ऑब्जेक्ट जो हो वो वाला प्रिंट हो। यहाँ पे T1 की जगह पर फिर से T3। ओके, ये हो गया। उसके बाद ये हो गया, अगर कॉपी कंस्ट्रक्टर हो गया तो कॉपी कंस्ट्रक्टर भी कर लेते हैं टेस्ट, और यहाँ पे हम T4, और इसमें हम पास करेंगे कौन सा पास कर दें, T3 का वैल्यू कर दें, T3 का, या फिर T1 का कर देते हैं, T1 का वैल्यू यहाँ पे हम पास करवा देते हैं। ओके, और उसके बाद फिर से यहाँ पे T4 का हम यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं, कंट्रोल सी और इसके बाद कंट्रोल वी। ओके, तो 3 की जगह पर 4। ओके, ये सब हो गया, तो ये सब मेरा हो गया, प्रोग्राम तीनों का मिक्स कर दिया। चलिए इसको हम रन करवा के आपका आउटपुट एनालाइज करवा देते हैं। ओके गाइस, यहाँ पे पहले क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा T1, तो T1 में मेरा क्या है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल, एक चीज़ और यहाँ पे हम प्रिंट करवाना चाहते हैं, चलिए यहाँ पे हम सी आउट करते हैं क्या, इसको अभी हटाते हैं एक मिनट के लिए। ओके, यहाँ पे हम सी आउट करते हैं, सी आउट, यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं क्या, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रिंट करवा देते हैं, और यहाँ पे इंटेल, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे कर देते हैं सी आउट, ताकि पता चले यहाँ किस कौन सा भी कॉल हो रहा है। ये मेरा हो गया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर विद 1 आर्गुमेंट। ओके, ये हो गया। उसके बाद फिर से यहाँ पर भी इंडेल लगा देते हैं, इंडेल, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे अभी हमको एक लिखना पड़ेगा 2 आर्गुमेंट के लिए भी, तो उसी को यहाँ पे कंट्रोल सी और कंट्रोल भी कर देते हैं। ठीक है, कंट्रोल सी कंट्रोल भी करने में बड़ी मजा आता है। यहाँ पे लिख देते हैं 2 आर्गुमेंट, TW2 आर्गुमेंट, और यहाँ पे फिर से कर देते हैं सी आउट। यहाँ पे हम करते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर इंडेल, ये हो गया। आप चलिए आप भी रन करवाते हैं, आप पता चलेगा आपको कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मेरा कॉल हुआ, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में मेरा 5 और 7 किए थे वैल्यू को, तो 5 और 7 प्रिंट करके दे दिया है, देख सकते हैं ऊपर में। ओके, उसके बाद पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर विद 1 आर्गुमेंट कॉल हुआ है, तो यहाँ पे हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी 1 आर्गुमेंट, बी में तो 7 चला गया, और यहाँ पे हम 4 सप्लाई किए थे तो 4 आ गया। उसके बाद 2 आर्गुमेंट वाला में क्या हुआ, यहाँ पे हम 6 और 9 सप्लाई किए थे, तो 6 और 9 प्रिंट कर दिया। और कॉपी कंस्ट्रक्टर में क्या हुआ, कॉपी कंस्ट्रक्टर में किसका कॉपी कर रहा है, T1 का जो वैल्यू है वो प्रिंट यहाँ पे कॉपी कर रहा है। तो T1 में कौन सा है, 5 और 7 है, तो यहाँ पे 5 और 7 करके कॉपी करके दे दे रहा है। ठीक है, इतना चीज क्लियर हुआ फंडा, तो आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा, क्या है मेरा कॉपी कंस्ट्रक्टर, क्या है मेरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, और क्या है मेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।